हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज तो हम सुबह सुबह बाहर निकले हैं मेहमान गति करने के लिए। मित्तल के घर जा रहे हैं धोरी धार। वैसे तो सभी फैमिली मेंबर्स वहां पे आ रहे हैं। पहला टोल टैक्स आ गया है, 1.5 घंटे का रास्ता चुका दिया है गवर्नमेंट को, चुका दिया है। फ्री में नहीं चल रहे है कोई भी रोड पे। वो अभी 1.25 घंटे में शायद पहुंच जाएंगे। और दीदी भी आ रहे तो वो थोड़ी देर लेट निकलेंगे। बाकी सब वहाँ पर इकट्ठा होंगे, आप सबको दिखाएंगे मित्तल का गांव। वो निकल गए, बरवा खुशी पीछे है, बरवा सो गया है, खुशी अभी गाना बजा रही है। छुट्टी का दिन होता है ना तब बस यही चलता रहता है, किसी के घर जाना, बाहर जाना है ना, ये सब चलता ही रहता है। कहीं पे नहीं जाते तो हमारे गाँव चले जाते हैं, लेकिन जाते जरूर है, जाना ही पड़ेगा ना सब जगह पे, जाना चाहिए ना, सबको मिलना चाहिए, अच्छा लगता है। अभी पहले जैसा तो अभी टाइम ही नहीं रहा है ना, जब रजा होती छुट्टी होती तो जा सकते। पहले तो क्या होता था कि छुट्टी का दिन वेकेशन या कुछ भी हो तब 2-3 दिन सबके घर चले जाते थे, ऐसा अब नहीं रहा है। साल में 1-2 बार मिलते हैं, बहुत नजदीक वाले कोई भी रिलेटिव हो उसको ही, और थोड़ा थोड़ा दूर दूर का हो उसको तो मिल ही नहीं पाते क्योंकि अभी के टाइम पे कोई फ्री ही नहीं होता है। तो बस अभी रोड पे अभी एंजॉय करते करते हम जा रहे हैं ठंडी को, ठंडी को क्योंकि 2 दिन से अभी ठंड पड़ना स्टार्ट हो गई है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा मिर्च के फार्म आ रहे हैं, टोमेटो बाकी सब्जी के भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, सब्जी का तो ज्यादा है ना, मिर्च ज्यादा दिख रहे हैं। सब लोग अलग-अलग गोंडल बैंगन है, गोंडल पास में है ना इसलिए सब्जी यहाँ पर ज्यादा लगाते हैं। और हाईवे टू हाईवे सब्जी बेचने में दिक्कत भी नहीं होती क्योंकि सब्जी को रात को उतारना होता है, सुबह सुबह जल्दी लेके जाते हैं यार्ड में, रोड टच हो तो ही सब्जी लगाते हैं ज्यादातर। हमारे जैसे थोड़ा अंदर पड़ता है गांव, वहाँ पर कम लगाते हैं, वहाँ पर कैबेज लगाते हैं हमारी साइड, लेकिन इस तरफ बहुत सारे वेजिटेबल के फार्म दिख रहे हैं हमें। बाकी तो कपास रेगुलर जो होता है वही है। तो बस अभी थोड़ी देर में अभी पहुँचेंगे, हाँ पहुँचे अभी त्राकुड़ा। फाइनली हम मित्तल के घर पहुंच गए हैं। मत रो मत रो, अभी हम जाएंगे दोपहर के बाद, तब रोना, रोएंगे नहीं, ऐसे ऐसे नाटक आएंगे, रोएंगे नहीं, मित्तल के लिए दिखाने के लिए, मित्तल रो मत, हम अभी दोपहर के बाद जाएंगे। भाभी बहुत खुश है, भाभी आज खुश ही होंगे ना, आपके मायके आए हैं तो। भाभी कैसा लग रहा है आपको, बड़े इंट्रोडक्शन कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है उनको, भाड़े लगेगा की खुशी जाहिर कीजिए, वर्ड सी नहीं है देखा। और यहाँ पर नामी भी आए हैं, हेलो भाई, चलो अभी बाहर का सब इंट्रोडक्शन अभी एजेंसी सबको करके बताएगी, मैं मित्तल से अभी बातें कर रही हूँ, जाओ चलो। यहाँ पर अभी खाना जोरों शोरों से बन रहा है, वैसे तो ऑलमोस्ट बन गया है लेकिन अभी भजिया बना रही है। पूरी बन रही है और भजिया बनाएंगे बाहर चूल्हे पे। हम सब जा रहे हैं घूमने, बाकी यहाँ पर अभी धूप सेकने के लिए सब बैठ गए हैं, और हम अभी जाएंगे थोड़ा बहुत गांव की सैर करने के लिए। बेसी जाओ, कितना चार्ज लियो छो भाई तमे? 10 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
कपास से कपास लाइक बोल रहा हूँ बहुत खरी है जो
यहाँ पर है नींबू का ट्री, बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं इसमें, कच्चे हैं लेकिन। हम जा रहे हैं अभी मंदिर पे अनपरिय कुटुंब का, माता जी ने, माता जी यहाँ पर है, बेभे कुछ है का सूरापुर आकुर देवी का, यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है, तो अभी दर्शन के लिए सब जा रहे हैं। आज मनीषा काकी साथ में नहीं है, ये तीनों है, देवरानी जेठानी चारों साथ में ही होते हैं, तो वो चाची अभी गए हैं बाहर कुछ काम से, अभी गए हैं चाची और ये तीनों है साथ में, और बाकी सब अभी आगे गए हैं मंदिर पे, अभी जाके दर्शन करते हैं। गांव का कुछ इस तरह का लोकेशन है, बहुत बड़ा बीच में मंदिर है और ये पूरा चौक है। और ये वाली गली है वो मित्तल की है, वहां से हम आए, मंदिर का घंट यहाँ तक सुनाई दे रहा है। मम्मी ने चाची ने सर पे अभी पल्लू ले लिया, यहाँ से ही बाहर से ही। अभी गांव में कोई लोग नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि अभी फार्म पे जो सीजन होता है कपास का ये सब, इसलिए कोई बाहर ही नहीं दिख रहे है। सामने बैंक है, सहकारी मंडी है, और इस तरफ दूध की डेयरी, और उसके आगे ही जस्ट यहाँ पर बहुत बड़ा पटेल समाज। बड़ी जगह है और साल में एक बार कुछ ना कुछ यहाँ पर हवन या माता जी का कुछ भी हो, ये उत्सव होता ही रहता है। गद्दे वगैरह सब भी है, बाहर से कोई जो भी कोई लोग आते हैं तो यहाँ पर रहने के नीचे भी पूरा बहुत सारे कमरे हैं, तो वो भी सुविधा है। यहाँ पर नीचे भी बहुत सारे कमरे वगैरह सब रहने की जगह है। दही, दही अच्छी, दूध, बीचु शू राखो फ्रीज में, फ्रूट्स ने वेजिटेबल्स राखो ने, कि तारी चॉकलेट जाए जी बदी, के चॉकलेट ना राखो, બાકી બધા માં હૃદયમાં ભગવાન તો બિરાજે છે। ક્યાંય આપણે જાત્રા કરવા જાય એ બધે દેશા રટણ છે કે ભગવાન નથી મળ્યા, કોઈ મળ્યા ભાવથી ભજો એટલે ભગવાન આપે છે, એ વખતે ભગવાન ક્યાં નથી। પણ બીજી તમે એવું લેવાય કે આપણે માવતર વરાવે ન્યા જવાય, તમે ક્યાં ફોટો આવ્યો પછી માવતર પોદરા ભલે ઉડે ખેતી ભલે કરે, પણ મારે તો સારું જોઈએ સંસ્કાર રહેતા નથી, જે કામ કરો એ સારું કરવાનું। सो गाइज, ये मेरी कज़िन सिस्टर है, इसकी डेथ अराउंड 20-25 साल हो गई इसकी डेथ। हमारी कज़िन में ये सबसे बड़ी दीदी थे, दीदी भी हो गई थी, उसका छोटा बेटा था, बाद में उसकी डेथ हो गई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, तो
इसकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है। तो हम तो बहुत ज़्यादा छोटे थे तब हमें उसको देखा था, बाद में तब इसका तब फोटो वगैरह कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर एक ही फ़ोटो है वो भी मंदिर में लगी हुई है और अभी वो भी अभी पूरी तरह से अभी क्लीन नहीं दिख रही है। तो आज मैंने अभी कैप्चर कर लिया। बस स्टैंड बस स्टैंड के चौक है, कुछ भी है जो भी है, लेकिन यहाँ पर अभी सब बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोगों को दिखाती हूँ, अच्छा लग रहा है, टाइम स्पेंड अच्छे से हो रहा है। तो अभी सब खाना अभी खाने बैठ गए हैं और बस अभी हम सब यहाँ पर अभी बाहर एक बहुत पुराना अभी घर दिख रहा है, तो अभी सब यहाँ पर अभी देख रहे हैं, सबको डर लग रहा है। इतना पुराना घर है, देखो खंडर जैसा हो गया है। दो पेड़ है, एक तो ये सरगवा का पेड़ है, बहुत पुराना है। यहाँ पर सामने ही ये वाला पीतल का घर, पास में एक मंदिर है, वहां पे चलते हैं, चलो। गाइस यहाँ पर भी एक बहुत ज्यादा पुराना घर है, टी वाला घर, कितना अभी खूबसूरत लगता है देखने में भी, ऐसा वाला मिट्टी वाला घर अच्छा लगता है। और जिसमें ये नई नई लिपाई की होती है ना, वो तो काफी खूबसूरत लगता है। हाय, गेट ही नहीं है, ऐसे ही खुला हुआ है, सामने ऐसे कुछ घर दिख रहे हैं। चलो अभी मंदिर में अंदर चलते हैं, क्या हुआ? ये मंदिर छोड़नी पड़ेगी अभी। सो यहाँ पर ये पूरा अभी बेर का पेड़ है और मंदिर तो नहीं है, ऐसे ही अभी भगवान के ये शिला है, उसमें ही अभी थापा लगा हुआ है, तो शायद इसकी पूजा होती होगी। हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ का, लेकिन इसमें सब में थापा लगा हुआ है, कोई पुरानी स्टोरी होगी, पूजा होती होगी। यहाँ पर अगरबत्ती वगैरह सब होता है। काफ़ी पुरानी जगह है, तो गाइज अभी हमने बहुत सारा आपको दिखा दिया यहाँ का गांव में जो जो मंदिर थे वो भी, और बहुत सारी बातें हो गई सबसे, और यहाँ पर आके अच्छा लगा। और ये वीडियो भी अभी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड कर देते हैं, और अभी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सब देखने को मिलेगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है, पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धोरीधार गाँव के जो भी कोई लोग, हमारे वीडियो में आपका पूरा गाँव दिखा दिया, तो जो कोई भी धोरीधार से वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मोडू बंद नव्हतं राखतो पण जुनी कवर